हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ऑल्दो द ज्योमेट्रीज ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड, बॉन्ड एंगल्स इन वाटर आर लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। बेसिकली बच्चे देखो, अगर आप अमोनिया देखोगे, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिड है विद वन लोन पेयर। क्लियर? लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री तो होगी। एवरी स्पीशी हैविंग अ लोन पेयर हैज अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, वेयर एज अगर किसी के पास लोन पेयर नहीं है, जैसे CH4 sp3 विद जीरो लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है तब हम कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, अदरवाइज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। क्लियर? एंड वाटर की बात करें, वाटर भी sp3 हाइब्रिड है विद टू लोन पेयर, तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड, क्योंकि लोन पेयर तो है। एंड हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन बहुत हाई होती है, लोन पेयर के बीच हाई रिपल्शन होती है। ठीक है, अब अगर हाई रिपल्शन होंगी तो क्या होगा? देखो, अपने पास एक है अमोनिया, अमोनिया में एक ही लोन पेयर है, एंड यहां पे जो रिपल्शन होंगी वो होंगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। बेसिकली एक लोन पेयर एंड जो बॉन्ड पेयर होगा, शेयर्ड पेयर बेसिकली, जिसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। वाटर के अंदर दो लोन पेयर्स हैं अपने पास, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगे, तो जब रिपल्शन होंगे दूर दूर भागेंगे, ये इधर को आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल और सिकुड़ जाएगा, ये और पास पास आ जाएंगे, तो जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, कम। तो बेसिकली अगर हम सिंपल सी वर्डिंग में लिखें, अगर लोन पेयर ज्यादा होते हैं सेंट्रल एटम पे तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा है, टू लोन पेयर्स देन दैट ऑफ लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया, एक ही लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर वाटर में ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, एंड ऑक्सीजन में दो लोन पेयर्स हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसमें दो लोन पेयर्स हैं, तो रिपल्शन बहुत हाई होंगी, जिसके कारण वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, एंड नाइट्रोजन में सिर्फ एक ही लोन पेयर है तो रिपल्शन काफी कम है, तो उसका बॉन्ड एंगल अच्छा खासा रहेगा। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।